In a landmark decision, the Union Cabinet has approved the establishment of 3 semiconductor units as part of the development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in India's initiative. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw announced that construction for all 3 units, with the first one located in Gujarat's Dholera and developed by Tata and Powerchip, will commence within the next 100 days. With a cumulative investment of ₹1.26 lakh crore, these units signify a significant leap towards bolstering India's semiconductor and chip manufacturing capabilities. Let's watch some highlights. आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावरचिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ, वेफर यानि एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है, ये एक चिप है, छोटी है, ये एक चिप है, राइट? तो एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। इस प्लांट से वो एक वर्ष में एनुअली 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। ये चिप्स प्रैक्टिकली 8 सेक्टर्स को कवर करेगी, 8 सेक्टर्स को केटर करेगी। हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये चिप्स लगेंगी। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ इन चिप्स का निर्माण किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और जैसा आप सब जानते हैं, सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती है उसके बहुत सारे डाउनस्ट्रीम यूजेस होते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम अपने घर में देखें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, जो लाइट लगी है इस लाइट में, जो स्विच लगे हुए हैं, आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आ गए, घर से बाहर निकलो तो अगर बाइक से निकले तो बाइक में, कार से निकले तो कार में, मेट्रो से निकले तो मेट्रो में, कहीं पे ट्रैवल करने के लिए गए ट्रेन से गए तो ट्रेन में, वंदे भारत में भी, वंदे भारत में 3,000 के आसपास चिप्स लगती है। एरोप्लेन में गए, एरोप्लेन में करीब करीब 8,000-10,000 के आसपास चिप्स लगती है। तो हर एक क्षेत्र में, जिंदगी के हर क्षेत्र में आज प्रैक्टिकली सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग होता है। तो भारत को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर जो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, आज उसका बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जैसा श्री अनुराग ठाकुर जी अभी बता रहे थे, सबसे पहले देश में प्रयास हुआ था 1962 में, फिर 1980 में प्रयास हुआ, 1984 में प्रयास हुआ, 2005 में प्रयास हुआ, 2007 में प्रयास हुआ, 2011 में भी ट्राई किया। जब नियत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब आज अप्रूव हुई। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन होगा और जैसा आपने माइक्रॉन के केस में देखा था, विद इन 90 डेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया जमीन पे, वैसा ही टारगेट लेके चलेंगे, 100 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन आरंभ करेंगे। साथियों, जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन प्रधानमंत्री जी ने 2021 15 दिसंबर को कैबिनेट में अप्रूव किया था, उसके तहत एक प्लांट माइक्रॉन का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, एक ये फैब अप्रूव हुई, साथ ही साथ दो और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए सेमीकंडक्टर यूनिट के। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पे प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया अपने करीब 10 वर्ष के इस कार्यकाल में, 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की क्रांति लाए, ऑप्टिकल फाइबर हो, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट्स हो, और आज प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट में आसाम में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट, देश का तीसरा सेमीकंडक्टर यूनिट, आसाम का पहला, नॉर्थ ईस्ट का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट। ये यूनिट साथियों टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड टीसैट ये कंपनी लगा रही है, 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत लार्ज स्केल पे इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में मेड इन इंडिया, मेड इन असम चिप्स जाके लगेंगी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में ये चिप्स लगेंगी। ये चिप्स, इस प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 48 मिलियन चिप्स पर डे यानी करीब 4,80,00,000 पर डे। बहुत बड़ा प्लांट बनेगा, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लांट बनेगा। इसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा और 100 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। आप सब जानते हैं साथियों, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट की बात जब करते थे, कभी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई थी। ये मोदी जी ने ही सारी प्रथा बदली और आज नॉर्थ ईस्ट में भी एक बहुत ही हाईटेक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट अप्रूव हुआ है। तीसरा प्लांट गुजरात के सानंद में सीजी पावर का प्लांट ये लगेगा। इस प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता ये है, जो बहुत नीच सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस, स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई परफॉर्मेंस वाली ट्रेन्स, जैसे हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये जितने भी नीश प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही जो स्पेशलाइज्ड चिप्स बननी है, उन चिप्स का प्रोडक्शन जापान की रेनेसा, RENESAS, जापान की रेनेसा कंपनी के साथ मिलकर, सीजी पावर और रेनेसा मिलकर सानंद में प्लांट लगाएंगे। इस प्लांट में करीब 15 मिलियन चिप्स पर डे की कैपेसिटी से मैन्युफैक्चर होगी, यानी साल की करीब 550 करोड़ चिप्स। बहुत सारी इसमें से चिप्स हिंदुस्तान में उपयोग में आएगी और बहुत सारी एक्सपोर्ट होएगी। एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने देश को कमिटमेंट दिया था सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का, वो कमिटमेंट आज के इन तीनों यूनिट्स के अप्रूवल से पूरा होता है।